अच्छा ये बताओ मुझे कि अगर आपके पास बहुत नॉलेज है, बहुत नॉलेज है, तो क्या आप ये दुआ पढ़ेंगे, रब्बी जिदनी इल्मा, अल्लाह मुझे और नॉलेज दे? हाँ, ज्यादा नॉलेज है अगर तो बोलेंगे? नहीं। हाँ, थोड़ा नॉलेज है तो बोलेंगे? हाँ। ज्यादा नॉलेज है तो बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। नहीं बोलेंगे? क्यों नहीं बोलेंगे? बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? ज्यादा नॉलेज है तो क्यों बोलेंगे? क्योंकि फिर ज्यादा रहती है तो फिर कम हो जाती है। ज्यादा होती है फिर कम हो जाती है, कैसे कम हो जाएगी? ज्यादा है तो और ज्यादा चाहिए, और ज्यादा चाहिए, और ज्यादा होना अच्छा है। हाँ, अच्छा ये बताओ, सब लोग बोलते हैं कि ज्यादा नॉलेज आएगी तो दिमाग खराब हो जाएगा, बोलते हैं। नहीं, सही है गलत है? गलत। क्यों गलत है? क्योंकि ज्यादा नॉलेज, नहीं नहीं बोलो बोलो क्या? क्योंकि दिमाग खराब हो जाता है, बोलते हैं। सही है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि सब लोग झूठ बोलते हैं। लेकिन तुमने ट्राई किया, ट्राई करने की वजह से तुम्हारे पास, तो ये चीज गलत है कि सही है? गलत है। क्यों गलत है मालूम है? सबसे पहले इस दुआ को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़े, इस उम्मत के सबसे ज्यादा इल्म वाले वो क्या दुआ करते थे अल्लाह से, रब्बी ज़िदनी इल्मा। अगर बॉम्बे शहर में सबसे ज्यादा नॉलेज आपके पास आ जाए तो क्या दुआ करनी है? रब्बी ज़िदनी इल्मा। और दुनिया भर में भी अगर सबसे ज्यादा नॉलेज आ जाए तो दुआ करेंगे रब्बी ज़िदनी इल्मा। ज्यादा इल्म बुरी चीज नहीं होती है, ज्यादा इल्म अच्छी चीज होती है। इल्म ना होना बुरी चीज है। iPlus TV, बेहतर जिंदगी के लिए। अपने केबल या DTH ऑपरेटर से iPlus TV आज ही डिमांड करें। iPlus TV फ्री टू एयर और इंडियन रजिस्टर्ड चैनल है।